नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 24 न्यूज में और आपके साथ में शशि किरण। शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों के साथ। भवानी मंडी नगर पालिका क्षेत्र के वार्डों में औषधि पौधा वितरण कार्यक्रम हो रहा है। ऐसे में आज नगर पालिका द्वारा वार्ड नंबर 32 में औषधि पौधारोपण वितरित कार्यक्रम हुआ, जिसमें पार्षद वीणा मेहरा द्वारा औषधि पौधा वितरण वार्ड वासियों को किया गया। महीन नगर पालिका लिपिक अधिकारी वकार प्रतिनिधि भरत मेहरा व वार्ड के प्रतिनिधि रहे मौजूद। भवानी मंडी की जवाहर कॉलोनी में स्थित निजी ब्यूटी पार्लर कई वर्षों से भवानी मंडी में संचालित है, जिसमें कई युवतियां और महिलाओं ने ब्यूटिशियन का पत्र लेकर प्रशंसक पत्र प्राप्त किए। इसको लेकर मुंबई में रीना प्रजापति को बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट नारी शक्ति अवार्ड, फिल्म कलाकार उर्मिला मांदेकर, प्रीति झांझरिया एवं राजा मुराद के द्वारा सम्मानित किया गया। चौमहला भाजपा सशक्त मंडल अभियान के अंतर्गत चौमहला व उन्हेल मंडल की सामूहिक बैठक प्रभारी बालकृष्ण पाटीदार व कमल कासीवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें भाजपा के सभी मंडल के पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल रहे। प्रभारी बालकृष्ण पाटीदार ने कहा कि मंडल को सशक्त बनाया जाए व हर मंडल पर बैठक आयोजित की जाए व मंडल स्तर के नीचे की सभी कार्यकारिणी का गठन किया जाए। बैठक में ग्रामीण क्षेत्र से आए भाजपा कार्यकर्ता बैठक में अपनी समस्या रखी। प्रभारी ने सभी कार्यकर्ताओं की समस्या को आगे हाईकमान को भेजने का आश्वासन दिया। गंगधार तहसील के कोटरा गांव में देव नारायण व कल्ला जी महाराज का लगभग 11 साल पुराना मंदिर, जो कि अतीत में भव्य रूप से बना था, यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती है। 28 अगस्त की घटना सुनाते हुए ग्रामीण ने बताया कि कल परिसर के आसपास के झाड़ियों को उखाड़ने के लिए जेसीबी मशीन बुलवाई गई, लेकिन जैसे ही मशीन का पंजा पैर पर पड़ा तो मशीन जमीन में धंस कर बंद हो गई। काफी जद्दोजहद के बाद भी शुरू नहीं हुई तो फिर मशीन को बंद अवस्था में हटाने के लिए चालू हुई। उसके बाद झाड़ियां हटाने पर विचार खत्म किया गया व क्षमा याचना की गई। गंगधार झालावाड़ जिले की डग विधानसभा क्षेत्र में पिछले 2 माह से लगातार अघोषित बिजली कटौती को लेकर विधायक कालोराम मेघवाल ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से विधायक ने बताया कि डग विधानसभा क्षेत्र के भवानी मंडी, डग गंगधार, चौमहला, उन्हेल सहित संपूर्ण जिले में बिजली विभाग द्वारा लगातार अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, जिससे आमजन परेशान है तो वहीं लघु उद्योग भी चौपट हो रहे हैं। सरकार व विभाग द्वारा जल्द ही बिजली व्यवस्था सुधार कर 24 घंटे घरेलू बिजली दी जाए। लाइट हमेशा काटी जाती है, कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा, अभी 2 दिनों में से करीब 10-15 घंटा लाइट काट रहे हैं, तो आम जनता इससे बड़ी दुखी है। और वो भी रात को काटते हैं, शाम को 6 बजे से लगा के 12 बजे के बीच में लाइट काटते हैं, ये बिल्कुल गलत रवैया है। मैंने इसके बारे में पहले बीडी कल्ला जी से बात करी थी, बीडी कल्ला जी ने मुझे आश्वासन दिया था कि हम 20 मिनट मात्र लाइट काटेंगे जीरो लोड के नाम से, बाकी वो 2-5-10 दिन उनका नियम चला, बाद में सारा सिस्टम बदल दिया और 3-3 घंटे 4-4 घंटे ये लाइट काट रहे हैं। फिर मैंने MD साहब से बात करिए, नवीन अरोड़ा जी से, नवीन अरोड़ा जी कह रहे हैं कि हमारे पास पावर ही नहीं है। अरे आपको पावर कौन देगा? वो बता रहे हैं हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास कोयला खत्म हो गया। अरे भाई, कोयला की व्यवस्था आप करोगे, हम थोड़ी करेंगे? कोयला कंपनियों को आप पैसा नहीं दे रहे, पैसा नहीं दे पाने के कारण कोयला की अभी 6 इकाइयां बंद पड़ी है। 6 इकाइयां बंद होने के कारण यहाँ पूरे राजस्थान की स्थिति बड़ी खराब है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि चौमहला बहुरूपिया कला राजस्थान की अपनी विशेष कला है, किंतु आज के विकसित तकनीकी समाज में यह कला लगातार कम होती जा रही है। इस विलुप्त प्राय कला को खाटू श्याम जी निवासी मुकेश बखूबी से निभा रहे हैं। मुकेश गत 35 सालों से चौमहला आकर अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। अब इनके पुत्र रवि, सागर, सचिन पुश्तैनी परंपरा को निभा रहे हैं। अब मुकेश के साथ इनके पुत्र अपनी पुश्तैनी परंपरा को निभाते हुए कभी देवता में शंकर, पार्वती, जोकर, जिन आदिवासी गुजर गुजरी व नारद का रूप धारण करते हैं, तो कभी कलाकार में राज कपूर का मेरा नाम जोकर, दूध दही वाली व गुरु चेला बनकर अपने विशेष शैली व संवाद से लोगों के दिलों में उतर जाते हैं। रायपुर क्षेत्रीय ग्राम पंचायत दुबलिया के आजमपुर गांव में नरेगा के तहत चल रहे नर्सरी निर्माण कार्य का आज जिला परिषद XEN अजय भार्गव व डॉक्टर ब्रजपाल सिंह ने औचक निरीक्षण किया। कनिष्ठ लिपिक विशिवम पाटीदार ने बताया कि
औचक निरीक्षण के दौरान जिला परिषद XEN अजय भार्गव ने बताया कि नर्सरी में फल व सब्जियों के पौधे तैयार हो रहे हैं। वहीं कोविड जैसी महामारी को देखते हुए यहां औषधियां पौधे भी तैयार किए जाएंगे। वहीं डॉक्टर ब्रजपाल सिंह द्वारा भी काली मिट्टी डलवाने, तार फेसिंग, खाई खुदवाने के लिए समझाइश की गई। सरपंच राम गोपाल दांगी व शिवम पाटीदार ने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा एक बीघा भूमि में खंभे व तार फेसिंग कार्य पूरा कर लिया गया है। आगामी दिनों में पाइपलाइन कार्य द्वारा निर्माण, झोपड़ी निर्माण व पौधारोपण किया जाएगा। झालावाड़ जिले की उन्हेल थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करों पर कार्रवाई करते हुए उन्हेल थाना क्षेत्र से सेकला गांव से एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर अवैध देशी शराब के 7,584 पौवे व एक कार बरामद की। पुलिस उपाधीक्षक ब्रजमोहन मीणा ने बताया कि तस्करी रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत उन्हेल व गंगधार थानाधिकारी माई जाप्ते के दबिश देकर सेकला गांव के अभियुक्त श्याम सिंह से अवैध देशी शराब के 158 कार्टून, जिसमें कुल 7,584 पौवे तथा परिवहन के प्रयुक्त एक कार बरामद कर आबकारी एक्ट में मामला दर्ज किया गया। वहीं अभियुक्त द्वारा यह शराब ढाबला निवासी श्याम सिंह से लाना बताया जा रहा है, जो फरार है। जो उन्हेल थाना में है, वहाँ एक व्यक्ति ने, जो श्याम सिंह नाम है उसका, उसने अपने घर में शराब, देसी शराब रख रखी है और वो अपनी गाड़ी से बाहर MP और इत्यादि जगह पे सप्लाई करता है। तो इस सूचना के आधार पे थानाधिकारी उन्हेल, थानाधिकारी गंगधार और मैं स्वयं जाप्ते के साथ गए, तो वो गाड़ी को ले जाने की तैयारी में था, उसके घर को सर्च किया। मंदसौर बुधवार को वैक्सीनेशन महाअभियान के दूसरे पड़ाव की शुरुआत हो चुकी है। मंदसौर में भी जिला प्रशासन द्वारा वैक्सीनेशन महाअभियान की तैयारियां की गई है, जिसमें आमजन भी अब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। सुबह से ही मंदसौर जिले के तमाम वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। जिला प्रशासन ने पूरे जिले में कुल 171 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए और कुल 53,800 डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में 158 सेंटर्स व ऑफलाइन पद्धति से 47,800 डोज लगाने का लक्ष्य है, जबकि शहरी क्षेत्र के 13 सेंटर्स पर ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग के जरिए 6,000 डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। नीमा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ घटना का वीडियो। बताया जा रहा है कि आदिवासी को सड़क पर घसीटने और मारने के बाद आरोपियों ने डायल 100 पर सूचना दी कि उन्हेल चोर को पकड़ा है। मौके पर सिंगोली पुलिस पहुंची और घायल को नीमच जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में आरोपियों ने अपनी बर्बरता का एक वीडियो भी खुद ही बनाया और वायरल कर दिया। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की तो पाया कि जिन लोगों ने वीडियो बनाया, उन्हीं लोगों ने उक्त आदिवासी व्यक्ति के साथ बुरी तरह मारपीट करके लोडिंग वाहन के पीछे बांधकर घसीटा भी था। आरोपियों ने वायरल वीडियो सामने आते ही लेकिन पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और नीमच SP सूरज वर्मा ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले में 8 लोगों के खिलाफ हत्या तथा एस्ट्रोसिटी एक्ट का मामला दर्ज करने का आदेश दिए हैं। मंदसौर के ग्राम बसई में चंबल को गंगा की दर्जा देने की मांग को लेकर धार्मिक आयोजन किया गया। इस धार्मिक आयोजन में सीतामऊ से ग्राम बसई तक चूनर यात्रा का आयोजन किया गया। सीतामऊ से ग्राम बसई तक वाहन रैली के साथ चूनर यात्रा निकाली गई। इसके बाद बसई के शासकीय स्कूल परिसर में धर्म सभा का आयोजन किया गया। धर्म सभा में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, रामायण फेम अभिनेता अरुण गोविल सहित कई नेताओं और संतों ने शिरकत की। इस आयोजन में करीब 50,000 लोग शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन महामंडलेश्वर मधुसूदन शास्त्री के द्वारा किया गया। आयोजन का उद्देश्य चंबल नदी को गंगा नदी के समान दर्जा देने के लिए किया गया है। तो उनको कुचल दिया जाएगा सर, और सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी प्रवृत्तियां, और समाज से भी निवेदन करूंगा कि ऐसी प्रवृत्तियां को हमें बिल्कुल प्रोत्साहित नहीं करना है, ऐसी प्रवृत्तियां कुचल देना चाहिए, क्योंकि यह देश। झालावाड़ जिला खेलकूल प्रशिक्षण केंद्र राजकीय खेल संकुल झालावाड़ में रविवार को मेजर ध्यानचंद जयंती के अवसर पर मनाए जा रहे राष्ट्रीय खेल दिवस पर जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री निधि BT, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश यादव, उप वन संरक्षक संग्राम सिंह,
कटिहार सहायक निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क हेमंत सिंह, जिला खेल अधिकारी कृपा शंकर शर्मा आदि दीप प्रज्वलित कर जो ध्यानचंद की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए खबर 24 न्यूज़। 5 साल, 20 साल, हर कदम आपके साथ।